जी हाँ, अगर आप एक के पॉप फैन हो, बीटीएस आर्मी हो, तो ये दिन शायद ही आप अभी तक भूल पाए हो। वैसे तो मैं आपको ये दिन याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन आज के ही दिन 19 अप्रैल को के पॉप में वो दर्दनाक घटना हुई थी जिसने सभी को हिला कर रख दिया था, और आज एक साल बाद भी बहुत सारे के पॉप फैंस उससे उभर नहीं पाए हैं। यानी कि आज है के पॉप सुपरस्टार एस्ट्रो मेंबर मूनविन की पहली डेथ एनिवर्सरी। जी हाँ, 19 अप्रैल 8:10 पर एस्ट्रो मेंबर मूनविन इस दुनिया को 25 साल की उम्र में छोड़कर चले गए थे। वो अपनी लाइफ से इतने ज्यादा परेशान थे कि उन्होंने अपनी जान खुद ही ले ली, और आज उनकी इस दर्दनाक डेथ को एक साल पूरा हो चुका है, और आज हजारों आरोहा यानी उनका फैंडम उन्हें याद कर रहा है, उन्हें ट्रिब्यूट दे रहा है। न सिर्फ ये, बल्कि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन ही उनके बाकी बैंडमेट्स ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आरोहास के लिए की है, K-pop फैंस के लिए की है, ताकि वो मूनविन को उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी पर ट्रिब्यूट दे पाएं और फैंस को मूनविन की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट दे पाएं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मूनविन के ऊपर बना एक नया सॉन्ग की, जो रिलीज होने जा रहा है। कुल मिलाकर आरोहास के लिए 2 सॉन्ग रिलीज किए जाएंगे, जिनका नाम फ्लाई और सर्कल फाइनल किया गया है। फ्लाई जहां मूनविन को एक ट्रिब्यूट होगा, जिसमें खुद एस्ट्रो मेंबर जिनजिन ने पार्टिसिपेट किया है, और वो मूनविन ने डेथ से पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, तो उसमें आपको मूनविन की भी आवाज सुनने को मिलेगी। फैंस के लिए ये किसी गिफ्ट से कम नहीं होगा। अगला सॉन्ग सर्कल एस्ट्रो ग्रुप की 8th एनिवर्सरी के मौके पर, और ये सभी फैंस के लिए एस्ट्रो की तरफ से एक ट्रिब्यूट होगा, और फैंस मूनविन की इस फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पर ये सारी अनाउंसमेंट सुनने के बाद उनको ट्रिब्यूट मिलेगा। ये सारी चीज़ सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, उन्हें याद कर रहे हैं और जल्दी ही मूनविन की आवाज़ सुनना चाहते हैं उनके आने वाले न्यू सॉन्ग में। तो अगर आप आरोहा हो तो आपको ये अनाउंसमेंट कैसी लगी, और आप मूनविन को कितना मिस कर रहे हो, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।